हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे वेलकम टू माय चैनल मोना क्रोशेट आज हम कुछ नया सीखेंगे मीन्स विंटर स्टार्ट होने वाला है तो हम विंटर से रिलेटेड कुछ आइटम्स बनाना सीखेंगे आ, आज मैं थोड़ा सा आ, स्वेटर बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ मैं बॉर्डर शेयर करते हैं कैसे बनाते हैं बॉर्डर क्रोशिया में सिलाई में तो बुनाई में मीन्स तो ईजीली बन जाती है बट बहुत सारे बिगिनर्स को जो बॉर्डर होती है क्रोशिया से बनाना नहीं आता है तो हम इसको सीखेंगे इस वीडियो में तो आप कोई सा भी वूल जो भी आपको स्वेटर बनाना है वो ले लीजिए और कोई भी क्रोशिया मीन्स अगर आप ऊपर का जो भी बनाएंगे स्वेटर वो बड़े क्रोशिया से बनाएं और बॉर्डर जो है वो छोटे क्रोशिया से बनाएं तो इसमें थोड़ा सा फर्क होना चाहिए ये थोड़ा सा श्रिंक रहता है ये थोड़ा सा थोड़ा फैला हुआ अच्छा लगता है तो इसके लिए हम कोई भी बड़ा क्रोशिया लेंगे आप जो भी क्रोशिया आपके पास हो वो ले लीजिए उससे एक नंबर या पॉइंट नंबर आप छोटा क्रोशिया से बॉर्डर बनाइए जैसे अगर आपको बॉर्डर पाँच नंबर से बनानी है तो आप साढ़े चार या चार नंबर का ले सकते हैं आप क्रोशिया इसमें मैंने इसे ये पाँच नंबर से बनाया है ऊपर का भाग और जो बॉर्डर है वो मैंने चार नंबर से बनाया है तो मुझे ऐसा ही चाहिए था आप चाहे तो आप इसको साढ़े चार में भी बना सकते हैं ये आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए बॉर्डर एकदम श्रिंक में चाहिए छोटा बॉर्डर चाहिए छोटे छोटे लेयर में चाहिए तो वो आपके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं आइडिया यही है कि आप एक बड़ा क्रोशिया लें और एक छोटा नंबर का क्रोशिया लें ऊपर का भाग आप बड़े से बनाइए और नीचे का भाग बॉर्डर मीन्स आप उसको छोटे से बनाइए आगे आगे हम स्वेटर कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी मैं लाते जाऊंगी धीरे धीरे पहले आप बॉर्डर से स्टार्ट कीजिए देन पैनल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैनल होते हैं थर्ड फोर्थ आपके स्लीव्स के पैनल हो जाएंगे और ये बैक पोर्शन है फ्रंट पोर्शन इसके बाद वाले वीडियोस में आपके पास मैं लेकर आऊँगी तो चलिए शुरू करते हैं हम मैं चार नंबर का क्रोशिया ले रही हूँ ये मेरे पास चार नंबर का क्रोशिया है और कोई भी वूल आप ले लीजिए जो जिससे भी आपको स्वेटर बनाना है आपको ऐसे चेन बनानी है आपको कितनी चौड़ाई चाहिए है उस हिसाब से आप उतनी चेन लीजिए ये मैंने ग्यारह ली है और एक एक्स्ट्रा रहेगी जब हम टर्न लेंगे तो इसमें हम ग्यारह चेन बनाएंगे चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और एक्स्ट्रा लेंगे हम और इसमें हम सेकंड नंबर की चेन से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे ये पूरे ग्यारह में चलता रहेगा सिंगल क्रोशिया ही बनाना है आपको ऐसी बॉर्डर आप डबल दब, हाफ डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं उससे भी अच्छी आती है और सिंगल क्रोशिया से भी बहुत सुंदर आती है तो ये ज़्यादा टाइट अगर आपको करना है तो आप इससे छोटा क्रोशिया ले सकते हैं छोटे नंबर का मार्केट में इस टाइप के अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप स्टील वाले भी यूज़ कर सकते हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल है ये पोनी ब्रांड का है और अगर आप उसको वहाँ से लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो अभी ये सिंगल क्रोशिया से ये पूरा बन गया है तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और यहाँ पर एक और आएगा ये छोटा सा जो है इसे हम छोड़ेंगे नहीं इसे भी ले लेंगे इसमें एला बना जाएगा ऐसे आप इसको दस चेन में भी बना सकते हैं और छोटी बॉर्डर करना है तो आप इसको कम चेन में भी बना सकते हैं सिंपल एक चेन लेना है और टर्न करना है आपको ऐसे और जहाँ से ये ख़त्म किया हमने सिंगल क्रोशिया वहीं से हमें एक से स्टार्ट करना है ये दो और सभी सभी जितने भी आपको ऐसे जग्जैक्ट जो डिज़ाइन चाहिए उसमें हमें क्या करना होता है इस लूप के पीछे वाला लूप ये फ्रंट लूप है ये सेकंड बैक लूप है देख रहे होंगे आप ऐसा जो बना हुआ है चोटी की तरह उसमें फ्रंट और बैक इसको बोलते हैं तो आपको इस वाली बैक वाली लूप में आपको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है ऐसे ये ना पीछे का जो बैक लूप रहेगा आपको उसमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है ऐसे ये सभी वीडियोस जो मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ सारे बिगनर्स के लिए हैं अगर किसी और को भी सीखना है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मैं जब भी वीडियोस डालूं तो आपको जल्दी उसे मिल जाए सो so, अभी हम ये सारे बैक लूप में ही बनाएंगे ऐसे ही चलते जाएगा ये बैक लूप में ही आपको बनाना है सारे के सारे जिससे ये ऐसी डिज़ाइन बनेगी एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती जाएगी ये ऐसी वैली डिज़ाइन तो ये देखिए ये बन के रेडी है और आप भी इसी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए और जिसकी जिसमें भी आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैसी लगी आपको यह बॉर्डर आप भी बना के देखिए अपने बेबी के लिए या जिसके लिए भी आप बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अपर पार्ट को हम शेयर करने करेंगे तो बने रहिए इन लेयर बाय लेयर जो मैं बताने वाली हूँ उसके साथ और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे तब तक के लिए बाय